अस्सलाम वालेकुम। कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा है कि ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू के ज़रा वो पेयरिंग के कॉम्बिनेशन का बताएं। तो ये एक मेल है एंड ये एक मैंने एक वायलेट पार ब्लू के साथ लगाया है, ठीक है। ये अभी बस फीमेल नहा रही थी, तो इन दोनों को आपस में लगाकर चिक्स में रिजल्ट अभी आपको दिखाता हूँ। तो उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह ये चार के चार बच्चे ब्लू में निकले हैं। एक ब्लू फिशरी, थोड़े से इसकी प्लकिंग हुई है, ये भी एक ब्लू फिशरी है, ये एक पार ब्लू है एंड चौथा इनमें से ये ब्लू यूविंग है। तो इसके बस पीछे से फेदर्स प्लक हुए हैं। सो वन ब्लू यूविंग, एक सादा ब्लू फिशरी, एक और सादा ब्लू फिशरी और एक पार ब्लू। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लू फिशरी एंड यूविंग में पहचान क्या होती है। ये ब्लू फिशरी है, इसके नीचे से भी ब्लू है, बैक से भी ब्लू है। अब जो यूविंग है ना, यूविंग का फ्रंट डाइल्यूटेड होता है। डाइल्यूट का मतलब कि जो है ना ये लाइट सा हो जाता है। ये देखो दोनों में फर्क आप देख सकती हैं, दिस इज डाइल्यूट, दिस इज इन। और जो यूविंग का बैक है ये भी पीछे से ग्रे होता है एंड आउट ऑफ फ्लाइंग फेदर्स यहाँ से डार्क होता है और दरमियान में हल्का। ठीक हो गया। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एक्सपेंसिव चिक्स के बच्चे जो है ना वो आप अल्बिनोज या दूसरे जोड़ों के नीचे पलवाओ, तो ये तीन के तीन बच्चे यूविंग्स ही हैं, अल्बिनोज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी अल्बिनोज के नीचे दूसरे ही बच्चे पलवा रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट द रेस्ट सून इंशाल्लाह।